ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अच्छी जॉब्स दिला सकता है। काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फेक हैं, जिन पे सही से इंफॉर्मेशन नहीं आती, जो एक्टिवली रिक्रूट नहीं कर रही होती हैं। दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे हम जॉब्स पा सकते हैं, पर काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फेक हैं, जिन पे सही से इंफॉर्मेशन नहीं आती, जो एक्टिवली रिक्रूट नहीं कर रही होती हैं, एंड इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो सच में एक्टिव रिक्रूट जॉब्स दिखाती हैं, एक्टिवली अपने पेज को अपडेट कर रही होती हैं नई जॉब्स के साथ, एंड कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक है, रियल है, एंड उसमें सच में रिक्रूट लोग होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 5 to 6 वेबसाइट्स के बारे में बात कर रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिक्रूट करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसमें जॉब्स अपडेट हो रहे होते हैं एंड बहुत क्लियरली उसमें मेंशन्ड होता है। हमें काफ़ी वेबसाइट्स के बारे में शायद पता होगा, जैसे कि लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्टिव रिक्रूटिंग हो रही होती है, जहाँ पर लोग सच में आते हैं, अपनी जॉब के बारे में बताते हैं, लोग पोस्ट्स डालते हैं एंड उसमें रिक्रूट बहुत अच्छी और बहुत एक्टिव हो रही होती है। काफ़ी लोगों को लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा होता है एंड वहीं पर उनको जो है नए वेबसाइट्स जैसे कि Naukri.com, Indeed.com इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि मानसी कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अच्छी जॉब्स दिला सकता है। बात तो ये है कि हम कोई प्लेटफॉर्म को नहीं बोल सकते कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है या फिर ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हमें जॉब्स प्रोवाइड करता है। सबके लिए डिफर हो सकता है। हो सकता है कि मैंने कल को Naukri.com पे अप्लाई किया हो और मुझे वहाँ से जॉब मिल गई हो, तो मैं बोलूँ कि मेरी Naukri.com वाला पोर्टल जो है वो बहुत अच्छा है, या फिर हम कहें कि इंडीड से किसी को जॉब मिल गई तो इंडीड पोर्टल अच्छा है। तो सबके लिए डिफरेंट अच्छा हो सकता है ना, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे जॉब्स भरना है जिसपे हमें लगता है कि वो हमारे लिए सूटेबल है। अगर हम फ्रेशर हैं तो, अगर हम रिमोट वर्किंग के जॉब्स को ढूंढ रहे हैं तो हमारे लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट्स हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ नई वेबसाइट्स बताऊंगी जहाँ पर एक्टिवली रिक्रूट कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इन सब वेबसाइट्स को कलेक्ट करना एंड रिसर्च करने में बहुत टाइम लगा है मुझे, एंड मैंने पर्सनली सब में जाकर अपना लॉगिन कर देखा है कि वो वेबसाइट एक्टिवली रिक्रूट कर रही है या नहीं। ठीक है, सो विद दैट एनर्जी लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब और लाइक करना इस वीडियो को ना भूलो, बिकॉज आई एक्टिवली टेल यू अबाउट हाउ कैन यू गेट रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर जॉब्स एंड टू गेट गुड जॉब फॉर योरसेल्फ। अलॉन्ग विद दैट आई हेल्प यू टू बिल्ड योर सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप पूरे कंपनी में आउटशाइन करो एंड आपकी एक अच्छी पर्सनल ब्रांड हो। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द फर्स्ट ऐसी वेबसाइट है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जॉब्स के बारे में जान सकते हो। जॉब्स के बारे में जानने के बाद आप रेफरल लोगों से मांग सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो लोगों के साथ जो कि उसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जॉब्स, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज सब कुछ ढूंढ सकते हो। ठीक है, सेकंड, Indeed.com। Indeed भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप Naukri.com स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हो जॉब्स वगैरह पाने के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑलमोस्ट हर रोज़ अपडेट कर रहे हो। मे बी अपना फ़ोन नंबर अपडेट, मे बी अपना एड्रेस अपडेट, में भी अपना नाम अपडेट, फोटो अपडेट। इससे क्या होता है ना कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो ऊपर आती है। तो बेसिकली Naukri.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिक्रूटर्स जो होते हैं ना वो खुद आकर कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिंक्डइन पे लोग सर्च कर सकते हैं, वैसे नौकरी पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखोगे, है ना, तो आपकी प्रोफाइल और ऊपर आएगी, तो आपके पास जॉब को पाने के लिए चांसेस और ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए नौकरी और इंडीड दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मैं पर्सनली जानती हूँ जिसमें अगर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट ज़्यादा जल्दी करोगे ना, तो वहाँ पर रिक्रूटर्स आकर खुद ही आपको सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन पे होता है। लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स आपको सर्च कर सकते हैं, राइट, उनके पास एक पोर्टल होता है लिंक्डइन का, लिंक्डइन प्रोफेशनल पोर्टल, जहाँ पर लिंक्डइन रिक्रूटर्स वगैरह आपका सर्च कर सकते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ वो जान सकते हैं। सिमिलरली नौकरी और इंडीड पे भी ऐसे ही होता है। तो फोर्थ पोर्टल जो मैं आपको बताऊंगी वो एक नई वेबसाइट है जिसका नाम है bestjobsites.co। ये ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको बाकी सारी वेबसाइट्स जो हैं, राइट, जैसे हमें याद नहीं रहता कि यार अगर हमें डेटा साइंस की जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए
क्या कोई ऐसा पोर्टल है जहाँ पे सिर्फ मुझे डेटा साइंस की जॉब मिलेगी, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे रिमोट वर्किंग की जॉब्स चाहिए। रिमोट वर्क क्या होता है? रिमोट वर्क ऐसा होता है जहाँ पर आपको ऑफिस ना जाना पड़े, आप घर पे या फिर कहीं पे भी बैठकर अपना काम कर सको, उसको रिमोट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या मुझे ऐसे जॉब्स चाहिए जो रिमोट वर्किंग जॉब्स हैं? इसकी कौन सी साइट होगी, कौन सी साइट पर रिमोट वर्क जॉब्स डालते हैं? देखो नौकरी और इंडीड पे तो हर कोई डालता है। ठीक है, तो थर्ड ऐसा पोर्टल, जो फोर्थ पोर्टल मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है bestjobsites.co, जहाँ पे सारी साइट्स आपको पता चलेंगी कौन कौन सी है। तो अगर मैं इस वेबसाइट के अंदर जाती हूँ तो वर्किंग नोमैड्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर लोग रिमोट वर्किंग जॉब्स को फाइंड करते हैं। नीचे अगर मैं स्लाइड करती हूँ, ये देखो डेटा साइंस जॉब्स, तो यहाँ इस पोर्टल पे जब जाओगे ना, यहाँ पे मैं क्लिक विजिट पे क्लिक करूंगी, तो ये जो पोर्टल आएगा वो बेसिकली डेटा साइंस की जॉब्स के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। तो आप समझ रहे हो, इस वेबसाइट पे bestjobsites.co पे आप जाके सारी वेबसाइट्स देख सकते हो, कौन कौन सी है, कौन कौन सी एक्टिवली रिक्रूट कर रही है। तो काफी ज्यादा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फोर्थ साइट जो मैं बताऊंगी जिसमें आप जाकर रिमोट जॉब्स ढूंढ सकते हो, वो है remoteok.com। remoteok.com पे बहुत एक्टिवली लोग रिक्रूट कर रहे होते हैं, एंड काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिसपे आपको रिमोट जॉब्स मिलेंगी अगर आपको रिमोट जॉब्स चाहिए तो। ठीक है, सिक्स ऐसी वेबसाइट है जो दैट इज workatastartup.com। ये वेबसाइट ऐसी है जहां पर अगर आपको स्टार्टअप्स में काम करना है, आपके पास स्किल है, आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आपको स्टार्टअप में काम करना है, यहाँ पर न्यूली फंडेड कंपनीज जो जॉब्स ढूंढ रही होती हैं उसके बारे में इस वेबसाइट पे दिया होता है। काफ़ी अच्छा जॉब पोर्टल है ये भी, क्योंकि इसमें जितने, जैसे मान लो अभी कोई कंपनी आई, ठीक है, आप क्रंच बेस पे देख सकते हो कि कौन कौन सी वेबसाइट्स को अभी नई रिसेंट पे फंडिंग मिली हुई है, वहाँ पर जा सकते हो, एंड उसमें से आपको ये पता चलेगा कि जिन जिनके फंडिंग करी हुई है ना, जिनको अभी रिसेंट में फंडिंग मिली है, वो बहुत ज़्यादा रिक्रूट कर रहे होते हैं लोगों को। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से काम करना जानते हो, तो workatastartup.com एक अच्छी वेबसाइट हो सकती है आपको अपनी नई जॉब लेने में। अपना.co ये एक नेक्स्ट पोर्टल है जहाँ से मैंने देखा है काफ़ी लोग बहुत अच्छी जॉब्स लेकर जाते हैं। इसमें एक्टिव रिक्रूटिंग हो रही होती है। अलॉन्ग विद दैट मैंने सही, देखो एट द एंड ऑफ द डे ये सब मैं पोर्टल्स आपको बता दूंगी कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने बताया इंडीड, नौकरी, अपना.co, workatastartup.com, bestsites.co, इस वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इन सबका यूज तभी होगा जब आपके पास स्किल सेट होंगी। तो सबसे पहले जाओ, स्किल्स पे काम करो, अपना रिज्यूमे बिल्डअप करो, पोर्टफोलियो बनाए, उसके बाद जाके इन सारी वेबसाइट्स पे अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट साइट जो है वो है remotive.com। remotive.com अगेन एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको एक्टिव रिक्रूटिंग हो रही होती है, एंड उसमें जो है आपको रिमोट वर्किंग जॉब्स जो है बहुत अच्छी मिल सकती हैं। तो रिमोटिव, मैं इन सारी जॉब्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप इट रियली हेल्प्ड यू। अगर आपको और कोई डाउट्स हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बिलो। हालांकि अगर ये 7-8 पोर्टल्स जो मैंने भी आपको बताया, जिसमें से bestsites.co तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आप प्लीज़ उसको जाकर एक बार स्क्रॉल करके देखना कि आपको उसमें और वेबसाइट्स के बारे में पता चलेगा। तो सारी वेबसाइट्स में से bestsites.co एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको एक क्यूमुलेटिव सारी वेबसाइट्स ही मिल जाएंगी जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में रिक्रूट कर रही होती है, एंड सब में एक्टिवली हायरिंग हो रही होती है। बट मेक श्योर करना कि आप अच्छी तरीके से वेबसाइट और जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाकर चेक करो जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपको ये जरूर पता चले कि जो भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो कोई फेक कंपनी तो नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो, बिकॉज मोर सच बेस्ट वीडियोज आर गोइंग टू कम फॉर यू। आई होप एंड विश यू द बेस्ट इन योर जॉब सर्च जर्नी।